ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। मुमरा में फिर एक बच्चा बाल बाल बच गया गटर में गिरने से। एक तरफ बारिश का पानी सड़कों में तब्दील हो गया है और वहीं दूसरी तरफ मुमरा के दरगाह रोड पर एक गटर जो जानलेवा साबित हो रहा है। इस गटर के आसपास से सैकड़ों लोग गुजरते हैं, बच्चे क्या बूढ़े जवान, हर कोई इस रास्ते से आते और जाते हैं। यहाँ पर जिस तरह से गटर खुला हुआ दिखाई दे रहा है, ये किसी खतरे से कम नहीं है। हम पहले आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इस पूरे तस्वीर को देखें, ये कितना खतरनाक है और कितना भयानक है। किसकी जिम्मेदारी है इस खुले हुए गटर को ढक्कन लगाने की? क्या यहाँ कोई हादसे का इंतजार किया जा रहा है? हम आपको बता दें, दरगाह रोड परिसर में नगर सेवक सानू पठान की ऑफिस है और ऑफिस के ठीक बगल में ये गटर मौत को दावत दे रही है। इसी रोड से नगर सेवक सानू पठान हर रोज गुजरते हैं, क्या उनकी नजर ऐसे गटर पर नहीं पड़ती? और सानू पठान अपने वार्डों में कार्यों को लेकर काफी जाने जाते हैं, काफी चर्चे में रहते हैं, लेकिन उन्हें ये गटर दिखाई नहीं दिया। जहां से वो हर रोज गुजरते हैं, उनके ऑफिस के ठीक बगल में है ये गटर खुला हुआ है। यही नहीं बल्कि ठाणे महानगर पालिका को भी चाहिए ऐसे खतरनाक गटर को ढक्कन लगाए, वरना यहां पर सवालिया निशान ठाणे महानगर पालिका को भी लगेगा। प्रहार टाइम्स को स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद हमने इस खुले हुए गटर की मुआयना किया और वहीं ये गटर मौत को दावत देती हुई दिखाई दी। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।